तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, ये मेरा 8th व्लॉग है एंड दोस्तों सडनली हमारा यहाँ पे एक ट्रिप प्लान हो गया हरिद्वार का। तो दोस्तों जो भी हरिद्वार का यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा ना ट्रिप का, वो आपसे शेयर करते रहेंगे। सो दोस्तों बने रहना हमारे साथ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें एंड दोस्तों लाइक बटन भी अभी दबा दो। मुझे पता दोस्तों वीडियो के चक्कर में आप भूल जाते हो, बाद में रह जाता लाइक, तो अभी दबा दीजिए। तो बने रहना दोस्तों हमारे साथ। सो गाइस, जब हम हरिद्वार के लिए निकल रहे थे तो दोस्तों सीन ऐसे बना कि हमने डॉगी भी रखा था पमेरियन, तो अभी क्या उसको हॉस्टल में छोड़ के आए हैं। घर तो अब रह नहीं सकता यार, साथ में भी नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो अभी उसको हॉस्टल में छोड़ के आए हैं 3 दिन के लिए। तो बाकी निकल रहे हैं दोस्तों हरिद्वार के लिए, बस जो भी जर्नी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइज अभी हरिद्वार 100 किलोमीटर यहाँ से दूर है और दोस्तों अभी हम रस्ते में रुके थे यहाँ पे लंच के लिए। यहाँ पे कोई मानव ढाबा है, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, ठीक है। हाईवे पे इतना ट्रैफिक नहीं है अभी, तो बाकी आगे जाकर देखते हैं ट्रैफिक का क्या सीन है। चलिए मिलते हैं आपको आगे। सो गाइज यार, यहाँ पे देखिए तीसरा टोल आ गया, मतलब टोल ही बहुत है यार। अभी पता नहीं यार कितने टोल आने हैं। अभी हम सहारनपुर पहुँचने वाले हैं, 3 टोल ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी आगे देखते हैं जाके। टोल भी थोड़े नहीं यार, सोचो 150-150 रुपये एक साइड का कटता है, तो अभी कटेगा टोल। हो गई ग्रीन लाइट, चलिए निकलते हैं। सो गाइस अब बस हरिद्वार पहुंचने वाले, सिर्फ यहाँ से आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर ही दूर है। हरिद्वार हम एंटर कर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं अपने होटल में, ठीक है। दिखाते हैं बस। सो आप भी कर लीजिएगा इस गंगा जी के दर्शन। सो गाइस, फाइनली हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और कार हमने यहाँ पे पार्किंग के लगा दी है, ठीक है। अब आगे तो रास्ता थोड़ा कंजस्टेड है, तो देखते हैं यहाँ पे कोई और इनका व्हीकल या कोई टैक्सी करके जाएंगे, है ना। सो यार, आप यहाँ का व्यू एंजॉय करिए यार। गंगा भैया जी आगे देखें। सो गाइस, होटल में सामान रख दिया और हम जा रहे हैं अब हर की पौड़ी पर, ठीक है। दोस्तों आज का दिन है गुरु पूर्णिमा का दिन है, ठीक है। तो माना जाता है कि यहाँ पे हर के पौड़ी में स्नान करने से अच्छा होता है गंगे माँ के अंदर स्नान करने में, तो जा रहे हैं वहाँ पे स्नान भी करेंगे। आपको दिखाते हैं मार्केट हरिद्वार की, वो भी देखिए आप। तो भैया कूलर वाली चाय भी आपको मिल जाएगी, एक सौ सर्दियों के कपड़े भी हैं। और यहाँ पे आपको यात्रा के लिए भी, यहाँ पे अगर आप कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं ऋषिकेश में, तो वो भी सब कुछ है। यहाँ पे बर्तन वगैरह है, जो भी धार्मिक चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अभी तक तो रश कम लग रहा है, आगे थोड़ी जाएंगे शायद लगेगा। अब हम गंगा किनारे पर नीचे, उससे यहाँ पे रश होना शुरू हो गया। अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की और देखते हैं वहाँ पे, बट चांसेस तो है कि वहाँ पर भी ज़्यादा रश ही होगा। आज रश बहुत ही ज़्यादा है, गुरु पूर्णिमा करके आज रश है। मैंने देखा कि आज का दिन ही नहीं, पूरी गर्मी है, ऐसे ही यहाँ पे रहता है, रश तो रहता ही है। मतलब जुलाई अगस्त तक यहाँ पे टोटली रश रहेगा। देख सकते हैं घर की पौड़ी पे कितना रश है, कोई जगह नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं आरती के लिए, आरती का भी टाइम होने वाला है। Thank you.
तो गाइस पानी बहुत ठंडा था बट ठीक है, बाकी रश भी है यहाँ पे बहुत। भाई साहब रश बहुत ज्यादा है यहाँ पे, यहाँ पे खत्म हो चुकी है बहुत ज्यादा रश। तो भाई हरिद्वार में ये यहाँ पे दुकान बहुत ही फेमस है, मोहन जी पूरी वाले, ये पूरियाँ फेमस है, बाकी हम ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे पूरी आलू पूरी मंगा ली है, देखते हैं। रेट की बात करें तो 100 रुपए की इनकी प्लेट है, उसमें 4 पूरियाँ यहाँ पे, बाकी खाते हैं आपको खाने का भी रिव्यू देते हैं। सो गाइस टेस्टी एंड गियर आलू पूरी देखे हरिद्वार का फेमस एक और यहाँ पे रेस्टोरेंट छोटी वाला, बता दीजिए काफी पुराना है और फेमस है, इनका भी खाना यहाँ पे ट्राई करते हैं। आप किसी भी धार्मिक जगह पे चले जाओ आपको एक चीज तो यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगी, उसी भी यहाँ हरिद्वार में बहुत है। पैसा इस दुकान पे आजा, अभी समोसे का साइज चेक करो यार, समोसे का भाई आप सबसे पहले समोसे का साइज चेक कीजिए और उसके बाद रश देखिए यार, रश बहुत ज्यादा यार, 5-10 मिनट बाद यार यहाँ पे जाके बाजे समोसा बाकी खा के देखते हैं इसका साइज चेक करो यार सबसे पहले। कैसा टेस्ट है, कैसा है समोसा, बॉडी लग रहा है ठीक है यार समोसा खाने का। ये भाई साहब इतना कुछ खा लिया आप डाइजेशन के लिए यार, लिमका तो बनती है ना। भाई साहब समोसे भी खा लिए ठीक है, पूरियाँ भी होगी ठीक है, उसके बाद लिमका भी मिली, मैगी भी होगा खा लिया। अब बारी है स्वीट डिश की, तो हमने मंगाया फलूदा, यहीं पर ही है अपना राधे बेटा स्टोर, हमने ये मंगाया, चलिए देखते हैं खा के।